नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। सीधे रुख करेंगे सीतापुर का, जहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस समय रैली संबोधित कर रहे हैं। और खड़ा वाला हाथी अभी तक बैठा नहीं और बैठा वाला अभी तक खड़ा नहीं हुआ। तो सोचो, वो पार्टी तो ऐसी है, वो तो थोड़ा नकदी मांगती है। पार्टी नकदी वाली है कि नहीं है? जो भी बसपा से छोड़ के आया बोला हमसे ज्यादा नकदी मांग ली, इसलिए हम छोड़ा है। इसे साथियों, आपसे बहुत निवेदन करने आए, अपील करने आए हैं। ये आकलन करने का मौका भी है किस पार्टी ने कितना काम किया है। 108 102 पे भरोसा है कि नहीं है आपको? ये आने वाले समय में आप मौका दोगे तो हम आपका सीएससी और जिला अस्पताल को बेहतर करेंगे, जिससे कि अगर एम्बुलेंस से पहुंच जाओ आप तो कम से कम आपका इलाज हो जाए, आपको कोई पैसा न देगा। अभी नया 100 नंबर शुरू किया है मैंने, ये 100 नंबर वाला भी शुरू किया है नया पुलिस के लिए। और वो इसलिए कि कई बार पुलिस, हम और आप लोग अगर तकलीफ में रहते तो फोन करते थे, फोन नहीं उठता था, फोन मिलाया फोन नहीं उठता था। और कभी एसओ साहब थोड़े गर्म रहे, आपने फोन मिलाया तो पता नहीं कौन सी भाषा इस्तेमाल कर दें आप पर, आप फोन रखते थे। ये 100 नंबर बनाया है, दिन में रात में किसी समय फोन मिला लेना, आपका फोन उठेगा और घटना स्थल पे 15-20 मिनट में पुलिस पहुंचने का काम करेगी। ये इंतजाम करने जा रहे हैं। अभी तक तो गाड़ी 15-20 मिनट में पहुंच जाए ये इंतजाम, अगली बार अगर हमें मौका आप दे दोगे तो जो पुलिस की बुराई है, कभी कभी बुराई भी आ जाती है, ट्रॉली जा रही है रोक लिया, कुछ लेन देन कर लिया। इसलिए हम कहना चाहते हैं 100 नंबर में अभी तो FIR दर्ज, फोन उठना, अगली बार ये गलती करेंगे तो 100 नंबर पे लिखवा देना, बता देना, आपका पूरा का पूरा मामला वापस करने का काम भी करेंगे। और एक बार मैंने कह दिया, कई बार कहा, हम तो कहते हैं विश्वा के लोग, नौजवान साथी मोबाइल है, चेक कर लेना फोन उठता है कि नहीं उठता है 100 नंबर, जब चाहो तब मिला लेना। और अभी कुछ दिन पहले कह दिया हमने जानकारी की, तो 1,00,000 लोगों ने फोन करके ये पूछा, केवल ये जानना चाह कि फोन उठता है कि नहीं उठता है, बताइए। इसलिए 100 नंबर भी कर रहे हैं। आपके बहुत सुविधाएं देनी है, बिजली का भी इंतजाम ठीक करना है। अभी तो शहरों में हम दे पा रहे हैं 22-24 घंटे बिजली, गांव में 16-18। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम करेंगे, भुगतान और कराएंगे पूरा, गन्ने का भुगतान भी होगा और सुविधाएं देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। हम समाजवादी लोगों ने बिना भेदभाव के काम किया है, किसी जात धर्म को नहीं देखा, बिना भेदभाव के काम किया। अगर लैपटॉप बांटा तो सबको बांट दिया, कोई गांव नहीं बचा हुआ जहां लैपटॉप न पहुंच गया हो, मोहल्ले में भी पहुंच गए। और अब तो स्मार्टफोन का जमाना है, हमारे नौजवान तो चलाना सीख गए, अब तो गाना भी सुन लेते हैं उसमें। अब हम सरकार से आपको जोड़ना चाहते हैं, आने वाले समय में सरकार बनेगी तो हर एक को, गरीब को हम लोग स्मार्टफोन दे देंगे, जिससे सरकार से सीधे सीधे आप जुड़ जाओ।